क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? बिहार की सियासत में कब क्या कुछ हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत के केंद्र में हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार का सिक्का चल रहा है। सीटें भले ही नीतीश कुमार की पार्टी को कम मिली हो, लेकिन सत्ता के केंद्र में वे हमेशा ही रहते हैं। अब देखिए ना, स्थिति यह है कि अगर वे एनडीए के साथ हैं तो सत्ता में हैं, अगर वे महागठबंधन के साथ हैं तो वे सत्ता में हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने दोनों ही तरफ के रास्ते हमेशा के लिए खोल रखे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो दोनों ही तरफ से नीतीश कुमार के संपर्क में रहे हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन बदलने के बाद बीजेपी ने बड़ा बवाल मचाया था, उससे पहले राजद ने भी खूब बवाल मचाया था, लेकिन अब नीतीश कुमार के सहयोगी रहे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वे एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी के साथ जाने के लिए नीतीश कुमार ने रास्ता खुला छोड़ रखा है। प्रशांत ने तो यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार ने एक खास नेता को इसके लिए छोड़ दिया है। हालांकि जदयू ने प्रशांत किशोर के इस दावे को खारिज कर दिया है। ऐसे में आइए समझते हैं आखिर प्रशांत किशोर किस थ्योरी के तहत नीतीश कुमार को एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने की बात कह रहे हैं। आप हम सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान वे बिहार के लोगों से मिल रहे हैं और बिहार में विकास की बात कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, वे कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के करीबी सांसद और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ संपर्क साध रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं, वे यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने की रणनीति बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सवाल पूछा जिसमें उन्होंने कहा कि जब आपका एनडीए के साथ नाता नहीं है तो फिर आपने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से इस्तीफा क्यों नहीं लिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो पद बीजेपी की कृपा से मिली है उसे नीतीश कुमार क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हरिवंश को इसलिए बचा कर रखा गया है ताकि दोनों के बीच में मध्यस्थता की जा सके। प्रशांत ने कहा कि नीतीश कुमार के पुराने दिनों को देखें तो उनका इतिहास रहा है पलटी मारने की, वे एक बार फिर से पलटी मार कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर हरिवंश ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। इस पूरे मामले पर जदयू का बयान सामने आया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू के महासचिव के सी त्यागी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 50 साल से राजनीति में है, जबकि प्रशांत किशोर पिछले 6 साल से राजनीति में है। वे लोगों को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद या फिर उनके नेता इस बात की दुहाई देते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। अगर आप नीतीश कुमार के पुराने दिनों को देख लें तो वे साल 2013 में बीजेपी को छोड़ दिए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर आया साल 2017 और बीजेपी के साथ वो खड़े हो गए और साल 2022 में एक बार फिर से बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया और वे महागठबंधन के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार और आम लोग यही कह रहे हैं कि यह सरकार कब तक चलेगी या फिर नीतीश कुमार पाला कब बदल लेंगे, यह कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में प्रशांत किशोर के उस बयान को एक बल दिया जा रहा है और अब विपक्षी पार्टियाँ लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है।